नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज। खबर यूपी के अमेठी से है, जहां एक कार अनियंत्रित होकर नहर में गिर गई। गुरुवार की सुबह पता चलने पर पुलिस ने उसे बाहर निकलवाया। इस हादसे में दो युवकों की मौत हो गई। सुबह नाले के पास शौच के लिए निकले लोगों ने पानी में उतराती कार देख पुलिस को सूचना दी। क्षेत्र में जैसे ही इसकी खबर मिली, लोगों का हुजूम नाले की तरफ बढ़ गया। जानकारी मिलने पर मौके पर पुलिस व क्षेत्रीय लोगों ने जेसीबी की मदद से रास्ता बांधकर कार को बाहर निकाला। कार में मिले मृतकों में एक व्यक्ति की पहचान उसके जेब से मिले आधार कार्ड से हुई। घटना जिले के शिवरतनगंज थाना क्षेत्र के सिमरौता नया गांव के पास की है, जहां बीती रात एक वैगनार अनियंत्रित होकर सड़क से नाले में पलट गई। कार में सवार दो लोगों की नाले में डूबने से मौत हो गई। इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। फिलहाल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जेसीबी द्वारा रेस्क्यू कर कार और दोनों शव को बाहर निकाला है। इस पूरे मामले में एसओ शिवरतनगंज अजीत सिंह ने बताया कि दोनों मृतकों में से एक की पहचान आधार कार्ड के जरिए हो गई है, अभी दूसरे की पहचान नहीं हो पाई है। उनके परिजनों को सूचना दी है गई है, परिजनों के आते ही शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि मृतक विश्वजीत सिंह उर्फ विक्की पुत्र रमेश बहादुर अमिलाहा थाना कोतवाली हैदरगढ़ जिला बाराबंकी ने 3 दिन पूर्व ही सेकेंड हैंड वैगनार खरीदी थी। बीती रात इसी कार से वो दोस्त के साथ सिमरौता से इन्होना की ओर जा रहा था। गाड़ी अनियंत्रित होने के कारण हादसा हुआ। आप देख रहे हैं अमेठी से अशोक श्रीवास्तव की रिपोर्ट। आदर सत्कार की परंपरा हम हमेशा दिल से निभाते हैं। आपकी हर छोटी बड़ी खुशियों में हम 4 चांद लगाते हैं। प्यार भरी भेंट और उपहारों के रूप में त्योहारों की रौनक बढ़ाते हैं। आपके सभी अनमोल रिश्तों को हम प्यार से सजाते हैं। स्वर्ण अलंकार की कला समेटे हम हैं शिवा ज्वेलर्स, घास बाजार, मऊ।